नमस्ते नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको शिव पुराण में बिंदीश्वर संहिता सुना रही हूँ। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बोलो शिव भगवान की जय हो। पहला अध्याय है बिंदीश्वर संहिता का, पाप नाशक साधनों के विषय में प्रश्न। पाप नाशक साधनों के विषय में प्रश्न, बोलो शिव भगवान की जय हो। जो आदि से लेकर अंत में है, जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके पांच मुख हैं और जो खेल खेल में जगत की रचना पालन और सहा तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव स्वरूप पांच प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ। बोलो शिव भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। व्यास जी कहते हैं धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यमय प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, बोलो शिव भगवान की जय हो, और हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वत्र विद्वान रोम हर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार हैं, आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए, आपका यहाँ आना निर्थक नहीं हो सकता, आप कल्याणकारी हैं। बोलो शिव भगवान की जय हो, बोलो हर हर महादेव की जय हो। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय पर भी आप शुभ अशुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती है और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसी ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। बोलो शिव भगवान की जय हो। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे और दूसरों की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए, उसके पाप कम होते और हमारे बढ़ जाते हैं। इसलिए दूसरों की बुराई करेंगे, पाप पराई स्त्रियों के प्रति आकर्षित होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। बोलो शिव भगवान की जय हो, हो जाएंगे। सूत जी कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने से सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण सकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे,
परिवार टूट जाए, समाज बिखर जाएगा, समाज भी बिखर जाएगा। प्रकृति आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, प्रकृति आपदाएं आएंगी और जगह जगह में लोगों की मृत्यु हो जाएगी। धन का क्षय होगा, धन कम होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, ब्राह्मण भी लोभी हो जाएंगे, वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे, पूजा पाठ भी नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से भी शून्य रहेंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यचारणी हो जाएंगे। जो क्षत्रिय लोग भी हैं वो भी ऐसे ही करेंगे। शौर्य से रहित हो वे शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैसे धर्म से विमुख हो, सष्टांग संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी धनोपार्जन प्रायण होकर नाप तोल में ज़्यादा ध्यान लगाएंगे और अच्छे कर्मों में नहीं लगाएंगे, पूजा पाठ में नहीं लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो, व्यर्थ घूमेंगे वे, कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले लोग वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विभाव करने लगेंगे। बोलो शिव भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएगी। वे अपने पति का आगमन करेगी और सास ससुर से लड़ेगी, मलिन भोजन करेगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूद जी इस तरह जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे। बोलो शिव भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रशंसा अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध हुए उसे परम गति प्रदान करती है। और हे महामुनि, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सब के पापों का तत्काल ही नाश हो जाए। बोलो शिव भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। व्यास जी कहते हैं उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। अब दूसरे अध्याय में है, पहला अध्याय समाप्त हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव।